आज के इस टूर्नामेंट में खासतौर पर बुलाया गया डॉक्टर अभिषेक सर साहब, जिन दोस्तों इनकी मेहनत, इनकी लगन और खासतौर पर बेटे कई सालों से मैं जाऊँगा और उसके बाद लगातार जो मेहनत रही वो बहुत कम लोगों में ये डेडिकेशन और ये डिवोशन वो सिंसियरिटी देखने को मुझे बहुत पसंद है। तो मैं काफ़ी इम्प्रेस्ड हूँ, हर काम से इम्प्रेस्ड हूँ। आरोग्य जागृति में रेगुलरली करता हूँ और जब वो लॉन्च हुआ मुझे लगा कि भाई ये क्या सब्जेक्ट के लिए वैक्सीन चलेगा या फिर ऑडिकल चलेगा, मुझे आप बड़ा अच्छा नहीं होगा इसका ऑडिकल चला। लेकिन जो जगह बताऊँ क्योंकि पॉपुलेशन का स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंट है, उसके साथ लगातार ये काम करते रहे और खास बात ये उसकी क्वालिटी मेंटेन, क्वालिटी मेंटेन करना पीरियडिकल में वो तो बड़ा चैलेंज है। अब वो फंडिंग के लिए उनको क्या क्या कसरत करनी पड़ेगी मैं जानता हूँ, वो बेचारे फंडी नशे में उठा रहे हैं, लेकिन वो जो लेवल तक उन्होंने पहुँचा है एक शुरू से उसकी शुरुआत करके उसको तकरीबन मैं समझता हूँ स्टेट लेवल तक पहुँचा दिया और फॉर्मर जो सी एम है उनके साथ इनकी तस्वीर भी है, उनके हाथ में वो देख के मुझे भी बड़ी खुशी होगी कि देखो जर्नलिस्ट कितनी मेहनत से अपने वहाँ तक पहुँच सकता है। उसके कॉन्फिडेंस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की और पॉलिटिशियंस भी ले सकती हैं जो सी एम जाएंगे, उसको मैं बार बार देता हूँ और फिर उनके सोशल मीडिया भी उनका लगातार चला है कैंसर के बारे में आज के ज़माने में इतनी जान लेना इतनी खतरनाक, लोग कोरोना से डर रहे हैं लेकिन कोरोना से पहले भी अपने समाज में है और उसके ये भी उनके कई कई प्रोग्रामों का विकास है और उसी से रिलेटेड अवेयरनेस के लिए लोगों में फिटनेस के लिए कैसे बचा जाए, तो उसका वन ऑफ द बेस्ट पार्ट कि स्पोर्ट्स इज वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू मेंटेन द गुड हेल्थ। उस लिहाज से उन्होंने फुटबॉल का रखा क्योंकि फुटबॉल एक पुराना प्रोग्राम है, रखा क्रिकेट इज प्लेड बाई लक, हॉकी इज प्लेड बाई ट्रिक एंड फुटबॉल इज प्लेड बाई फोर्स पावर, उसमें ताकत लगती है। आरडी टेलीनेट प्राइवेट लिमिटेड एक कदम आगे। अरे देवी वाला फोर्स जो बॉलीवुड के फिटनेस को बदल रहा है, इस यहाँ से जबरदस्त टूर्नामेंट है और मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरह सक्सेस रहे और काफ़ी अटेंडेंस भी लग रही है, इसमें बच्चों में जोश भी है, इंशाल्लाह ये स्पोर्ट्स और आगे बढ़ेंगे और डॉक्टर साहब जो मिलते हैं और दूसरे दूर तक भी पहुँचेंगे और इसका पूरा समाज को फायदा मिलेगा। और इस बात को डॉक्टर साहब और बाकी जो स्पॉन्सर कर रहे हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए मुबारकबाद दूँ कि वो बहुत अच्छे काम अपना मकान है जरूरत है, डॉक्टर साहब को और सपोर्ट की जरूरत है, उनकी हिम्मत अफजाई की जरूरत है क्योंकि उनकी हिम्मत बड़ी है, इसलिए नए नए प्रोजेक्ट करते हैं इंशाल्लाह। मेरी तरफ से पूरे काम मुबारक आज पूरे दूर देखिए उनके लिए मुबारक, जो हारी है उनके लिए मुबारक, उनके अंदर कितनी भी पुस्तक दीजिए तो अगली बार वो देखेंगे इंशाल्लाह। सबके लिए मुस्तफ़ा आलम साहब ने जो हमारा हौसला बढ़ाया यहाँ आकर हमारे जो चंद शिक्षक है उसके लिए हम आपके हर दिन शुक्रिया अदा करते हैं, भगवान आपको लंबी उम्र दे और आपके हाथ से ऐसे हमें सलाम मिले ऐसी समाचार हो ये अल्लाह ताला से हम गुजारिश करते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आरोग्य जागृति।